राम राम, नमस्ते, जय किसान साथियों। साथियों, आज हम लोग यहाँ पे ये जाट एजुकेशन सोसाइटी, जाट शिक्षण संस्थान है, उसके बारे में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जाट शिक्षण संस्थान का पीछे जो हाल रहा और किसान आंदोलन के चलते भी यहाँ पे 112 टीचर्स को निकाल दिया गया था, 113 टीचर को, उसके लिए भी काफ़ी संघर्ष हुआ। और इस संस्था को जिस तरह से ये ग्लोरी थी इसकी, जिसकी चमक थी, जो शान थी इसकी, पिछले काफ़ी समय से इसके ऊपर मतलब एक तानाशाही कब्जे की तरह संस्थाओं के इलेक्शन और उनके अपने पैसे दे के वोट बनवाना और लोगों की भागीदारी को अपने ढंग से सुनिश्चित करने का चक्कर व्यू में लेके इस संस्था को बिल्कुल जर्जर हालत में पहुंचा दिया गया है। हम लोगों ने 6-7 महीने पहले एक संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में इसके ऊपर चर्चा हुई थी, एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें ये पता चला था कि चौधरी कमल सिंह जी जो हैं पूर्व मंत्री, वो इस संस्था को बचाने के लिए समाज के गणमान्य लोगों के साथ एक पहल कर रहे हैं। तो हुड्डा जी की और मेरी मोर्चे ने ये ड्यूटी लगाई थी कि हम लोग उनसे बातचीत करें और इस संस्था के बारे में हम लोग क्या मदद कर सकते हैं। उसी सिलसिले में आज जब ये संस्था अपने एक बहुत अहम पड़ाव पर गुजर रही है, तो हम लोग इसकी ये उसके समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। आगे जो किस तरह से जो दूसरी बातें हैं और मोर्चा किस तरह से इसको समर्थन देगा, वो हुड्डा जी आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह की प्रक्रियाएं हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दिलबाग सिंह हुड्डा, भारतीय किसान एवं बागवानता के प्रदेश अध्यक्ष। आज तो जैसे कुलदीप भाई ने बात बताई है, इस विषय में चर्चा ने बैठक पहले भी की, तो इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि 2 साल पहले कॉलेजियम का जो चुनाव हुआ था, उसके बाद संस्था में इस तरह की गतिविधियाँ चली कि संस्था का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। राजनीतिक गतिविधियाँ तेज होगी, पढ़ाई के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। टीचर जो है 112-113 टीचर निकाल दिए गए बगैर नोटिस के, वो हमारे नोटिस में आई तो संयुक्त किसान मोर्चा ने आके इसमें बातचीत की और दोबारा से ज्वाइन किया। तो अब मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि जैसे पीछे चौधरी कमल सिंह जी और चौधरी जसवंत सिंह जी, युद्धवीर सिंह ख्यालिया, संतलाल प्रसाद जी, खोखर साहब, डॉक्टर करतार सिंह, जो इस वर्ग के बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने एक मीटिंग की थी और मीटिंग में ये फैसला लिया कि भी संस्था को कैसे बचाया जाए। तो उसमें ये निर्णय लिया कि भी एक कमेटी बनाई जाए। इसमें 20-21 आदमी कमेटी बनाई थी और कमेटी के ऊपर ये छोड़ा गया कि भी इसमें इस प्रकार के जो है कैंडिडेट वो लाए जाएँ जो पढ़े लिखे भी हों और इस संस्था को बचा सकें और राजनीति से हट के काम करें। तो उसमें पंचायती उम्मीदवार जो है तो सुखबीर सिंह गोयत, तो प्रधान पद के लिए सर्वसम्मति से पंचायत ने उनको उम्मीदवार बनाया। इसी प्रकार से हमारे जो राजवीर पूरा जी हैं उनको उपप्रधान के लिए, और सुखबीर सिंह शिवाच को महासचिव पद के लिए, ओम प्रकाश ढांडा जी को कोषाध्यक्ष के लिए पंचायती उम्मीदवार जो है घोषित किया है। तो हम किसान मोर्चा के और जो किसान साथी हैं, जो संस्था जुड़े हुए हैं, जो इसको बचाना चाहते हैं, 1925 के अंदर इस स्कूल की जाट स्कूल का जो है नींव रखी गई थी, उसके बाद सेठ साधुराम जी ने और हमारे बड़े बड़े लोगों ने इसमें मदद करके संस्था को ऊंचा उठाया और देश में नाम रोशन था। तो आज हम यही कहना चाहेंगे जो पंचायती उम्मीदवार हैं उनको सभी के सभी लोग एक मुश्त वोट दे करके और इनको सफल बनाने का कष्ट करें, ताकि इसमें राजनीतिक गतिविधियाँ ना हो और इसको यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय और काफ़ी सारे कोर्स इसमें लाए जाएँ, ताकि इस संस्था से पूरे समाज को और पूरे देश को इसका फायदा मिल सके। जब किसी संस्था का स्कूल या कॉलेज बनता है तो एक गरीब तबके को उम्मीद होती है कि उनका बच्चा जो है काफ़ी जो है सुविधाएं प्राप्त करेगा, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जाट शिक्षण संस्थान में जो है राजनीतिक जो है कहीं ना कहीं हावी होगी और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बात की बात से सहमत हूँ कि इसमें पिछले कई दिनों से राजनीतिक अस्तव्यस्त ज़्यादा है और इसके ऊपर जो स्टाफ उस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, बच्चों की खासतौर पढ़ाई पर, तो विशेष तौर से ये तो हमारे यहाँ तो कॉमर्स का तो एक नंबर का जो सिस्टम था हमारे जाट कॉलेज के अंदर था, इस संस्था में था, और इसी को बचाने के लिए जो है पंचायती जो सिस्टम है वो एक कमेटी बना करके ये कैंडिडेट जो है उतारे गए हैं, ताकि संस्था बच सके और हमारे गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो किसान मजदूर गरीब आदमी के बच्चे हैं, वो इसमें पढ़ाई करके और एक देश के अच्छे नागरिक बन सके, अच्छे शिक्षाविद बन सके और हमारी संस्था को बचा सके। एक शिक्षण संस्थान में जो है पुलिस का आना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन पिछले 2 साल में लगातार देखा गया है कि जो यहाँ पर
शिक्षक जो है प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगा रहे कि उन्हें कमरे में बंद करके और जो है प्रताड़ित किया गया, इस तरीके की जो गतिविधियाँ लगातार चल रही है, तो क्या लगता है कि अब जो हाथ या कह सकते हैं कि जाट शिक्षण संस्थान का जो बेड़ा गर्क हो चुका है उसे अब संभाला जा सकेगा? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि भाई शायद संस्था बच जाए इस तरह से। आज की जो बातें विशेष तौर पर सतबीर जी बताएंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अच्छे आदमी अगर हम चुन के आएंगे तो संस्था 100% बचेगी और हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। मैं किसान सभा से सतबीर सिंह रोहिल, अपने दर्शकों को नमस्कार। और ये जो आपने प्रश्न किया है, पहले इसमें राजनीति दखलंदाजी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए ये आपस की लड़ाइयाँ, इन्होंने अपने इसको कमाई का उद्देश्य से इसमें लोग आए हैं। और यही जो हमारा अब संगठन है, किसान संगठन आगे आए हैं कि उसमें हम इसमें राजनीतिक स्तर से ख़त्म करके हम पंचायती उम्मीदवार चुनेंगे। जो आए अब इस संगठन में दोबारा इस तरह की कोई पुलिस बुलाने की आवश्यकता न पड़े। तो मैं अभी निवेदन करता हूं कि सभी अपने जाट संस्था के जो लोग जिसमें जाट इस संस्थान को, शिक्षा संस्थान को बचाना चाहते हैं, वो हमारे पंचायती उम्मीदवार सुखवीर सिंह जी गोयत, राजवीर सिंह बूरा और सुखवीर सिंह सिवाच, ओम प्रकाश ढांडा को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाएं, ताकि हमारे ये शिक्षण संस्थान बच सके और इसमें गरीब बच्चों के लोग कम पैसे में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके देश के अच्छे नागरिक बन सकें। एक मिनट के लिए आपके प्रश्न का मैं और भी उत्तर थोड़ा आगे करने के लिए दे दूँ कि देखिए, संस्थान को पिछले 2 साल से कोलेजियम का बॉडी जो है वो 296 लोगों का चुनाव हो चुका है, लेकिन 2 साल तक सरकार ने यहाँ पे लटकाए रखा इसको। और शिक्षा के सत्र में भी जो पीछे की जो कमेटियाँ और मैनेजमेंट कमेटी के लोग थे, तो आप देखेंगे कि यहाँ के जो बिल्डिंग है उनका, यहाँ की बिल्डिंग का सत्र देखिए कि किस तरह से यहाँ के पंखे पानी के लिए स्टूडेंटों ने जूझा, न्याय के लिए, सोशल जस्टिस, टीचर्स के आपस के झगड़ों में जो नुकसान संस्था को हुआ है। और ये संस्था को ये नहीं है कि जाट समाज की थी तो सिर्फ जाट समाज के लिए काम किया, सभी समाजों के लोग यहाँ पे, और अब भी जो लोग इसको बचाने के लिए आए हुए हैं वो भी सारे के सारे, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जो भारत के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, इससे पढ़ के आए हैं और उनके एक भावना के साथ लोग लगे हुए हैं। तो पूरे समाज के लोगों से एक बार हमारी ये अपील है कि आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के देखिए और इसके बारे में फैसला कीजिएगा कि ये संस्था बचाएं कि ना बचाएं, ये हमारे माथे का ताज है। ये सोच के साथी जो है वो इस संस्था के लिए काम करें और इसके हक में अपना फैसला दें।